बच्चास कैसे आप लोग सब। दिस इज अर्जुमान अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड हियर वी विल बी स्टडिंग चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 8। द चैप्टर वी आर जस्ट गोइंग टू इज लैंड स्वेल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, इन द प्रीवियस वीडियो हमने स्वेल की फॉर्मेशन तक डिस्कस किया था, उसके बाद हमने लेयर्स ऑफ स्वेल को जाना था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द फैक्टर्स जो स्वेल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। हर चीज को बनने और बिगड़ने के लिए कुछ चीजें प्रिंसिपल्स बहुत तरह के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह स्वेल को बनने में भी बहुत सारे फैक्टर्स बहुत सारी कंडीशंस चाहिए स्वेल की फॉर्मेशन के लिए। तो वो कंडीशंस क्या है जो स्वेल को बनने में या नहीं बनने में उसको हेल्प करते हैं, वो कंडीशंस हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग के अर्थ सर्फेस पे या अर्थ पे बहुत तरह के चेंजेस होते हैं, न्यूमरस चेंजेस एज कम्पेयर टू क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइम मैनेजमेंट, वेजिटेशन, ये सब चीज ऑन एंड ऑल हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है, आज हम लोग जो फैक्टर्स ऑफ स्वेल पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इवन विंड, हवा और पानी भी, पानी का बहना भी जो होता है ना, वो स्वेल की फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, दैट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक, फैक्टर्स इफेक्टिंग स्वेल फॉर्मेशन। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारण जो स्वेल को फॉर्म करने में अफेक्ट करते या स्वेल को फॉर्म करने में हेल्प करते, कुछ भी आप कह सकते हो, दैट कैन इफेक्ट और हेल्प, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्वेल। ठीक है, सो पहला जो फैक्टर जो कि स्वेल फॉर्मेशन को हेल्प करता है, दैट इज पैरेंट मटेरियल। पैरेंट मटेरियल मतलब क्या होता है बच्चों, पैरेंट मटेरियल मतलब होता है थ्रू विच अ सब्सटेंस इज मेड, उसको कहते हैं ना होस्ट, जिससे कि अदर सबऑर्डिनेट्स बने हैं। तो जो टेक्सचर होता है और जो कॉम्पोजिशन होता है ना स्वेल का, जो टेक्सचर मतलब किस तरह का वो स्वेल है, ग्रेनाइटिक है, बालसाइटिक है, या फिर बहुत फाइन है, या लेस ग्रेन है। ठीक है, ये सारे जो टेक्सचर है स्वेल का और जो कॉम्पोजिशन है स्वेल का, वो डिपेंड करता है कि उसका पैरेंट मटेरियल कैसा है, मतलब कि किस तरह के रॉक से वो स्वेल बना है। ये बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड करता है कि फ्रॉम विच द रॉक इज फॉर्म। तो जो टेक्सचर है और जो कॉम्पोजिशन है स्वेल का, वो किस पर डिपेंड करता है, ऑन विच पैरेंट मटेरियल, मतलब किस तरह के पत्थर को टूट कर वो स्वेल बना। ठीक है, और वो कुछ भी हो सकता है, अपैरेंट मटेरियल कैन बी स्वेल एल्यूवियल, मतलब कि समुद्र के पास का जो एल्यूवियल होता है, ग्लेशियर्स होता है, विंड्स के बहाव से जो कभी कभी सेडिमेंट्स जो बहकर आते हैं ना, जैसे हवा अपने बहाव से बहुत सारे स्वेल के पार्टिकल्स लेकर आता है अपने साथ, कभी कभी वो भी पैरेंट स्वेल बन जाते हैं, क्योंकि उनसे टूट के जो पत्थर स्वेल बनता है वो ज्यादा फाइन होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ग्रेन्स होते हैं, कभी कभी वेदर्ड रॉक बन के आता है। तो पैरेंट मटेरियल इस तरह से अफेक्ट करता है स्वेल की फॉर्मेशन को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली दो तरह के पत्थर से हमारा स्वेल फॉर्मेशन होता है। पहला तो हमारा स्वेल फॉर्मेशन, अगर आप देखो, यूजुअली जो नॉर्मल जो स्वेल फॉर्म होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, डार्क ब्राउन कलर के रॉक से, ज्यादा जो डार्क ब्राउन कलर का रॉक होता है ना, उससे बनता है स्वेल। तो वहां पे पैरेंट मटेरियल क्या होगा, डार्क ब्राउन कलर का रॉक जिससे टूट के वो स्वेल बना। और उस स्वेल की खासियत ये कि उस स्वेल की फॉर्मेशन में आयरन ज्यादा होता है, जो स्वेल का कॉम्पोजिशन उसमें क्या होगा, आयरन ज्यादा होगा, टेक्सचर कैसा होगा उसका, डार्क ब्राउन कलर का। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो व्हाइट रॉक से जो स्वेल बनता है ना बच्चों, जो वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा, अब कह सकते हो व्हाइट कलर से बना तो बहुत ज्यादा डार्क नहीं होगा, उसका टेक्सचर डार्क नहीं होगा, और उसमें लेस अमाउंट ऑफ, उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, उसमें लेस अमाउंट ऑफ आयरन होंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग कहते हैं ना, दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, दो तरह के रॉक्स के वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, एक होता है आपका गैलेंटिक रॉक्स और एक होता है बालसेटिक रॉक्स। ठीक है, तो जो गैलेंटिक रॉक से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ना, उस वो सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा फाइन नहीं होता, उसमें थोड़े थोड़े ग्रेन्स होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर के दाने होते हैं, जिससे कि पानी आसानी से बह के निकल जाता है। अगर आप उसमें पानी डालो उस तरह की मिट्टी में, तो पानी बह के नीचे ग्राउंड वाटर से निकल जाएगा। लेकिन जो बालसेटिक रॉक से जो स्वेल बनता है ना बच्चों, वो स्वेल बहुत फाइन होता है, उसमें बहुत कम ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स मतलब दाने होते हैं बच्चों, पत्थर के दाने, तो उसमें बहुत लेस अमाउंट ऑफ ग्रेन्स मौजूद होते हैं। तो क्योंकि उसमें पत्थर के दाने बहुत कम है, उसमें जब पानी जाएगा तो पानी को क्या करेगा, वो होल्ड करके रखेगा ज्यादा वक्त के लिए, इसलिए जितना भी प्लांटेशन फाइन सॉइल पे होता है वो ज्यादा बेटर होता है। और जो ज्यादा ग्रेन्स वाले सॉइल पे जो प्लांटेशन होता है, वहां पे कभी हरियाली, कभी इस तरह का बंजर लगा रहता है। ठीक है, तो इसी तरह सॉइल का कॉम्पोजिशन और टेक्सचर डिपेंड करता है ऑन द पैरेंट मटेरियल, किस तरह के पत्थर से सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है।
क्लाइमेट, एज यू ऑल नो क्लाइमेट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज के फॉर्मेशन के लिए इन टू डे. अभी जो हम लोग डे टू डे लाइफ अपनी जी रहे हैं, हमारे खुद की जिंदगी के लिए भी क्लाइमेट बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है. ठीक है, तो क्लाइमेट क्या करता है, किस तरह से अफेक्ट करता है क्लाइमेट. अगर हम लोग बात करें कि क्लाइमेट किस तरह से अफेक्ट करता है, तो मान के चलो कि बहुत ज्यादा का बहुत जगह ऐसा होता है कि क्लाइम वहां पर मान के चलो गर्मी बहुत ज्यादा होती है और कहीं कहीं पे गर्मी ज्यादा नहीं होती, कम गर्मी होती है. तो जो सॉइल फॉर्मेशन है ना, वो जहां गर्मी ज्यादा होगी ना, वहां सॉइल फॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से होगी. क्यों? क्योंकि अगर गर्मी ज्यादा हुई तो जहां गर्मी ज्यादा होगी बच्चों, वहां मॉइस्चर ज्यादा होगा. जहां हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी पहले गर्मी, वहां नमी भी आएगी. तो पत्थर को क्या चाहिए टूटने के लिए, गर्म ठंडा, गर्म ठंडा होते पत्थर क्या होता है, टूटता है, उसके बाद फॉर्मेशन होता है. तो वो चीज बहुत जरूरी है सॉइल फॉर्मेशन के लिए कि गुड अमाउंट ऑफ हीट मिले उसको. ठीक है, वहां पर उसके लिए कि उसको गुड अमाउंट ऑफ हीट, गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिले, इसलिए क्लाइमेट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. क्योंकि अगर आप सॉइल फॉर्मेशन की बात करो तो जिस जगह पर एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक, अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक क्लाइमेट जो होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उसमें जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू कोल्डर क्लाइमेट. अगर हम लोग बात करें कोल्डर क्लाइमेट की, तो उसमें जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता. लेकिन जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज्यादा सही होता है. क्यों? कहीं कहीं पे क्या होता है ना, हीट टेम्परेचर, जिसको कहते हैं ना हम लोग हीट टेम्परेचर, मॉइस्चर, विंड, ये बहुत एसेंशियल होता है एट द टाइम जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है. और जब सॉइल फॉर्म होता है ना बच्चों, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है तो कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन भी होती, केमिकल रिएक्शन भी होता है वहां पर. तो उस केमिकल रिएक्शन में हीट बहुत बड़ा पार्ट रोल अदा करता है वहां पर. कि इस केमिकल रिएक्शन में अगर उसको सही अमाउंट ऑफ हीट मिले और मॉइस्चर मिले तो केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी होगा और फिर पत्थर अपनी जगह से बहुत जल्दी टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज वाई क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसीलिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सॉइल फॉर्मेशन ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू कोल्डर क्लाइमेट. ठीक है, नाउ एज थर्ड पॉइंट इज टोपोग्राफी और द फिजिकल फीचर. टोपोग्राफी फिजिकल फीचर मतलब किस तरह के एरिया, हम लोग बात करते हैं एरिया वाइज यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि हम लोग मान के चलो टोपोग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करेगा. टोपोग्राफी इन्फ्लुएंस करता है ऐसे कि जहां भी हम लोग रहते हैं बच्चों, जैसे कि लैंड, जो स्लोप ऑफ लैंड होता है ना, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हीट और मॉइस्चर को. कि किस तरह की जमीन की सतह पे हम रह रहे हैं, यही टोपोग्राफी होती है ना, लैंड की जो फिजिकल फीचर होती है. तो हम लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन्स पे रहते हैं हम लोग, जिस लैंड पे रहते हैं, जिस ग्राउंड पे, वो प्लेन्स होता है. और दूसरा होता है हिल लैंड, राइट, यही होता है ना, दो तरह के लैंड. तो यही टोपोग्राफी में आज हम लोग समझेंगे. अगर लैंड स्लोप जो है वो इस तरह का है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो पानी क्या होगा यहाँ पे, कभी नहीं ठहरेगा. और हीट यहाँ पे कम होगी, क्योंकि हिली एरियाज के बियॉन्ड क्या, हिली एरियाज में हीट कम लगती है. तो अगर हम लोग बात करें प्लेन्स की, सबसे पहले बात करते हैं प्लेन्स एरियाज में, तो प्लेन्स एरियाज में जो हीट होती है ना, सूरज की जो गर्मी होती है वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है और ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कलेक्ट करता है प्लेन्स एरिया ना, हीट बहुत ज्यादा लेता है. और जितनी हीट लेगा उतना मॉइस्चर होगा. तो अभी मैंने क्लाइमेट में क्या कहा था कि जैसे उसको गर्म, पत्थर को टूटने के लिए ठंडा और गर्म का फिजिकल फीचर बहुत चाहिए. तो इस तरह से वो जगह भी वैसी होनी चाहिए बच्चे की, वो ठंडा और गर्म ऑब्जॉर्व कर सके. ठीक है, तो यहाँ पर उसको वो दोनों तरह का लो टेम्परेचर भी मिल गया और मॉइस्चर भी मिल गया, विच इज वेरी आइडियल कंडीशन फॉर अ सॉइल फॉर्मेशन. तो इसको क्या मिल गया, हीट भी मिला और सही अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी मिला, तो यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन बहुत अच्छा हुआ. बट एज लेकिन अगर हम लोग हिली एरियाज की बात करें, तो यहाँ वैसे ही थिन थिक लेयर होता है सॉइल का. हिली एरियाज में ज्यादा लेयर्स की सॉइल की नहीं होती, और यहाँ पे हिली एरियाज में सॉइल अपनी पकड़ बना भी नहीं पाता. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी कम होती है. तो हिली एरियाज में क्या होगा, यहाँ पे बहुत थिक लेयर ऑफ सॉइल हुई. स्लोप से मतलब कि जब बारिश होगी तो स्लोप क्या होगा, पानी को कंटेन नहीं कर पाएगा, स्लोप से पानी नीचे आता जाएगा, राइट. तो पानी यहाँ पे कलेक्ट नहीं होगा, और जो इसमें सेडिमेंट्स मौजूद हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे वो भी नहीं रुकेंगे, और इसकी वजह से जो हीट इन लोगों को मिलेगी वो कम मिलेगी. तो यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन बहुत अच्छा नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो विंड भी आएगी ना, जैसे बहुत सारा स्पार्सली जो मैंने आप लोगों को बताया था ना इन द प्रीवियस की लैंड किस तरह से कैटेगराइज होते हैं ऑन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. तो स्पार्सली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया आपने पढ़ा था. तो ऐसे एरिया जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है वो ज्यादा हिल लैंड्स एरिया होते हैं.
तो वहां पे क्या होता है ना, कई बार जब हवा बहती है तो अपने साथ स्वेल को भी लेके जाती है, स्वेल के बहुत सारे सेडिमेंट्स को, और दूसरे जगह ट्रांसफर करती है, एक जगह से जिस जगह वो ब्लो होके जाएगी वहां पे जाएगा, तो जो हिली एरियाज है वो उसको पकड़ होल्ड नहीं कर पाता, और प्लेन्स क्या करता है उसको होल्ड कर पाता है, यहाँ उसे अच्छी तरह की हीट और मॉइस्चर मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, नाउ कमिंग डाउन टू द फोर्थ पॉइंट, ऑर्गेनिज्म। बहुत इजी, ऑर्गेनिज्म कैसे इफेक्ट करेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म स्वेल पे ग्रो होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर जो पनपते, बहुत सारे कीड़े हैं जो मिट्टी के अंदर यूं ही आ जाते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमस की वजह से। ठीक है, जिसमें ह्यूमस रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की वजह से कुछ कीड़े जन्म लेते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं स्वेल में, और वो स्वेल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। जिस भी स्वेल में ह्यूमस प्रेजेंट होंगे बच्चों, दैट स्वेल इज वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर प्लांटेशन, एनी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुए, जिनका ग्रोथ हुआ उस तरह के स्वेल में, वो क्या करेंगे, स्वेल फॉर्मेशन को ज्यादा बढ़ाएंगे। कैसे, क्योंकि मान के चलो स्वेल फॉर्मेशन में मान ऑर्गेनिज्म जो भी जमीन के अंदर मिट्टी में जो जन्म लेंगे वो क्या होंगे, अर्थ वॉर्म्स होंगे, ठीक है, टर्माइट्स होंगे, एंट्स होंगे, वो क्या करते हैं ऐसे जाते हैं ना, इस तरह से मिट्टी के अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे बाहर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर भी, छोटे 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 अमाउंट ऑफ रॉक्स भी होते हैं यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, स्वेल इरोजन भी प्रोड्यूस करते हैं और वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कीड़े की ये खासियत होती है कि वो पत्थर के अंदर छेद करके ऊपर जाते हैं, तो उससे क्या होगा, वो उसमें होल करेंगे, इसकी कैपेसिटी कम होगी, फिर पत्थर क्या होगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो वो क्या होगा, स्वेल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, यहाँ पर वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी करते हैं और स्वेल इरोजन भी करते हैं, अंदर बाहर जो वो ब्लो जो होल बनाते हैं, बोरो बनाते हैं, इससे वो इस स्वेल फॉर्मेशन में तो हेल्प किए, एज वेल एज वो प्लांट्स जो नीचे रूटेड होता है उसको भी एयर पहुंचाने में मदद करते हैं। जब वो होल करते हैं तो उस होल से नीचे हवा जाती है जो कि नीचे रूट को जरूरत पड़ती है, एज द नेम ऑफ ऑक्सीजन आप कह सकते हो। फिफ्थ है हमारा टाइम। जैसे कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था एट द टाइम ऑफ इन द वीडियो ऑफ सोइल फॉर्मेशन की टाइम बहुत लगता है एक थिक लेयर भी सोइल को बनने में, राइट? तो टाइम बहुत लगता है, लेकिन ये टाइम जो है ना, ये टाइम कैसे पता चलेगा कि कैसे लगता है, ये टाइम जो है ये भी डिपेंड करता है बहुत जगह पर। वैसे तो सोइल फॉर्मेशन बहुत लंबा टाइम लेता है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लाइमेट में बताया था कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है वो ज्यादा फास्टली स्वेल फॉर्मेशन करता है एज कम्पेयर टू कोल्डर क्लाइमेट। ठीक है, वही यहाँ पर टाइम है, तो टाइम भी इन्फ्लुएंस होता है, टाइम भी वैरी करता है, वक्त भी बहुत मायने रखता है। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारा, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं जिस तरह का अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो जो स्वेल फॉर्मेशन करता है वो फास्टली करता है, क्योंकि उसको हीट, मॉइस्चर, जितनी भी अदर सर्कमस्टांसेस चाहिए सोइल फॉर्मेशन के लिए वो जल्दी मिलती है, तो उसको कम टाइम लगेगा, ठीक है, उसको लेस टाइम लगेगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कोल्डर क्लाइमेट की, तो ना उसको ज्यादा हीट मिलेगी तो मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा ज्यादा, जब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा नहीं होगा तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैसी होगी। इस तरह से स्वेल फॉर्मेशन हर प्रोसेस में क्या होता है, स्लो होते जाता है, और कोल्डर क्लाइमेट में स्वेल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा समय लेता है। तो टाइम कैसे डिपेंड किया, टाइम क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड किया, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो स्वेल फॉर्मेशन में हमारी मदद करते हैं या फिर स्वेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इनमें से एक भी फैक्टर इम्बैलेंस हो तो स्वेल फॉर्मेशन या तो नहीं होगा वहां पर, या फिर स्लो होगा, या फिर बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी हमारी क्लास जिसमें मैंने आप लोगों का डिस्कस किया द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सोइल फॉर्मेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आस्क मी ऑन दैट कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। टिल देन बच्चा स्टडी हार्ड, बी सेफ, बाय बाय।